तो हमारे प्यारे देशवासियों, क्या हालचाल। तो यहाँ पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ टॉप 5 ब्लूटूथ हेडफोन्स जो आपको 2000 से कम प्राइस रेंज में मिल जाएंगे, और साथ ही में जहाँ पे जो 4 हेडफोन्स है वो भारतीय कंपनी की तरफ से आते हैं और सिर्फ जो एक हेडफोन है वो चाइनीज़ कंपनी की तरफ से आता है। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस प्राइस रेंज में भारतीय कंपनी की तरफ से आने वाले ब्लूटूथ हेडफोन्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे जो चाइनीज़ कंपनीज है वो भी बहुत अच्छे ब्लूटूथ हेडफोन्स बना रही है, मगर यहाँ पे जो भारतीय कंपनी है वो बहुत अच्छे ब्लूटूथ हेडफोन्स बना रहे इस प्राइस रेंज में। तो देखते हैं आज के वीडियो में कौन से है ये ब्लूटूथ हेडफोन्स, तो लेट्स फाइंड आउट। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फ्लिपबिप, मैं हूँ आपका दोस्त छिन्मय। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वीडियो इतना सा भी यूजफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है, और साथ में इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुँच पाए। शुरुआत करेंगे कुछ टॉप 5 ब्लूटूथ हेडफोन से। तो नंबर 5 पर आएगा बोट का रॉकर्स 239। ये जो ब्लूटूथ हेडफोन्स है वो इस प्राइस रेंज में आने वाले सबसे सस्ते ब्लूटूथ हेडफोन्स है। इसकी जो प्राइस है वो करीब 1400 के आसपास है। सबसे बड़ी बात, ये वाटरप्रूफ है, साथ में यहाँ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है, और यहाँ पे ये काम करता है ब्लूटूथ 5.0 पे क्वालकॉम चिपसेट के साथ, और यहाँ पे आपको 10mm का ड्राइवर इनपुट मिलता है। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ, 10mm इस प्राइस रेंज में अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आपको जो साउंड क्वालिटी मिलने वाली है बहुत अच्छी होने वाली है। अगर हम इसको चार्ज करते हैं तो सिर्फ 15 मिनट में यहाँ पे ये आपको 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा। इसका जो ओवरऑल बैटरी बैकअप है वो करीब 6 से 7 घंटे का है, तो ऑब्वियसली सिंगल चार्ज करने के बाद आप इसको कंटिन्यूसली 6 to 7 hours तक यूज़ कर पाएंगे, और इसकी जो प्राइस है वो करीब 1400 के आसपास है, और सबसे बड़ी बात ये भारतीय है, तो ऑब्वियसली आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। इन सारे ब्लूटूथ हेडफोन्स की जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से इसको परचेस कर पाएंगे। तो नंबर 4 पर आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिलेंगे बोट के हेडफोन्स, जो है बोट रॉकर्स 255F Pro। तो यहाँ पे आपको सुपर एक्स्ट्रा बास मिलने वाला है। कुछ लोग इसको बेस कहते हैं, कुछ लोग इसको बास कहते हैं, एनीवे साउंड क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है फिर से, जहाँ पे आप सिर्फ 20 मिनट के लिए चार्ज करेंगे तो आपको 4 घंटे का यानी कि 4 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। साथ ही में ये कम्फर्टेबली आपके कान में फिट हो जाएंगे। उसकी जो प्राइस है वो करीब 1600 के आसपास है, और इसमें भी आपको 2 या 3 कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑब्वियसली फिर से ये भारतीय है। तो यहाँ पे नंबर 3 पर आपको मिलेंगे नॉइज ट्यून एक्टिव, जो नॉइज की तरफ से आने वाले बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन है इस प्राइस रेंज में। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है, साथ ही में ये वाटरप्रूफ भी है, ये लाइट वेट है, और साथ में ये कंफर्टेबली आपके कान में फिट हो जाएंगे। साथ में यहाँ पे आपको मिलते हैं 10mm के डायनामिक ड्राइवर्स, जहाँ पे गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है, और जो डुअल पेयरिंग को भी सपोर्ट करते हैं, और इसकी जो प्राइस है वो करीब 1500 के आसपास है, जो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में इस हेडफोन्स को आप ज़रूर ले सकते हैं। फिर से ये भारतीय है। यहाँ पे नंबर 2 पर आएंगे रियलमी बड्स, जो रियलमी के सबसे पॉपुलर ब्लूटूथ हेडफोन्स है, जो पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा बिक चुके हैं। ये इकलौते चाइनीज़ ब्लूटूथ हेडफोन्स है हमारे इस वीडियो में। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 11.2mm का ड्राइवर इनपुट मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे देगा सच में। यहाँ पे आपको मिलता है 12 आवर्स का बैटरी बैकअप, और इसके जो प्राइस है वो करीब 1800 के आसपास है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर इन हेडफोन्स को आप पसंद करते हैं। तो फाइनली बात करेंगे नंबर 1 की, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे नॉइज ट्यून चार्ज। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे आपको मिलता है Realme Buds से भी ज़्यादा बैटरी बैकअप, जो है 16 आवर्स का यानी कि 16 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। साथ में इसका जो अलग फीचर यह है कि यहाँ पे आपको मिलता है बास बूस्टर बटन, जिसकी मदद से आप किसी भी सॉन्ग में इस बटन को दबाते ही आपको एक अलग सा बास एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स मिल रहे हैं वो इजी टू यूज़ है, जो दिखने में भी बहुत अच्छे हैं। ये ब्लूटूथ हेडफोन्स इजी टू यूज़ भी है, कंफर्टेबली आपके कान में भी फिट हो जाते हैं, साथ ही में ये वाटरप्रूफ भी है, और ये काम करते हैं ब्लूटूथ 5.0 पे क्वालकॉम चिपसेट के साथ। इसके जो प्राइस है वो करीब 1700 के आसपास है, जो फिर से रियलमी बड्स से 100 रुपीज़ से कम है, मतलब 100 रुपये कम है। भले ही 100 रुपये कम हो, मगर जो यहाँ पे फीचर्स मिले वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक अच्छे ब्लूटूथ हेडफोन्स हो सकते हैं इन सारे हेडफोन्स में आपके लिए, अगर आपका बजट 1700 के आसपास हो तो। दोस्तों, ये कुछ टॉप 5 ब्लूटूथ हेडफोन्स थे मेरे ख्याल से, जो आप 2000 से कम प्राइस रेंज में इनको परचेस कर पाएंगे, जो हालांकि आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी और साथ में कुछ अलग अलग फीचर्स भी दे देंगे। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।